बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? आप सब ने बहुत सारी पढ़ाई की और एग्जाम्स भी दिए, और अभी भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पर आपको पता है, जितना पढ़ना आवश्यक है उतना ही हंसना भी आवश्यक है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए आज हम हिंदी में इकाई 6 हंसी का पिटारा का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम थोड़े चुटकुले सुनेंगे। तो चलिए सब हंसने के लिए तैयार हो जाइए। बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने के लिए बोला था, ये तो गधा है। चल दोस्त, हिंदी व्याकरण की थोड़ी तैयारी करते हैं। दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? मूर्ख। तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। जी साहब जी। मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या इसे भगा दूं? जनाब, कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? यही खाओगे या फिर घर रह जाओगे? क्यों बे, गधे को लेके कहाँ जा रहा है? मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं, कुत्ता है। मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। मजा आया ना बच्चों? कोरोना की इस महामारी में सब जैसे हंसना ही भूल गए हैं। सबको पता है कि हंसना कितना आवश्यक है, फिर भी आजकल के जमाने में कोई ना कोई ऐसी परेशानी होती है जिससे लोग खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं। आपको पता है कि लाफ्टर क्लास भी होते हैं। लाफ्टर क्लास मतलब उसमें सब जाकर जोर जोर से साथ में मिलकर हंसते हैं। हंसने से कई रोग भी दूर हो जाते हैं और हम हमारी सारी परेशानियां भूलकर जैसे एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसीलिए हमें खुद भी हंसना चाहिए और दूसरों को भी हंसाना चाहिए। आपको भी बहुत सारे चुटकुले आते होंगे, आते हैं ना? तो आज आप अपने भाई बहन, अपने दोस्तों या फिर घर में मम्मी पापा को भी वो सब चुटकुले सुनाकर सबको हंसा देना, और उन लोगों से भी बहुत सारे चुटकुले सुनकर आप सब साथ में हंसना। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहले और दूसरे प्रश्न में आपको सिर्फ चुटकुले सुनने हैं, सुनाने हैं और बुक्स में से पढ़ने हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। यहाँ पर आपको दो सितारे दिए गए हैं, जिसमें एक सितारे में एक शब्द है और उसका विलोम शब्द दूसरे में है। जैसे उदाहरण में है, पहला शब्द है गलत, तो गलत का विलोम क्या होगा? सही। वैसे ही सूखे का क्या होगा? गीला। तो इस तरह से आपको सारे शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखने हैं। आगे उपर्युक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाइए। जैसे हमने देखा कि गलत का विलोम शब्द था सही, तो गलत और सही दोनों को लेकर एक वाक्य बनाना है। उदाहरण है, मैंने सोचा उत्तर सही होगा, लेकिन वह गलत था। इसी प्रकार दूसरे विलोम शब्द के भी आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मुझे लगा कपड़े सूख गए होंगे, लेकिन वह गीले थे। तो आपको बाकी के विलोम शब्दों के वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 4, इन्हें और क्या कहते हैं छांट कर लिखिए। छांट कर लिखना मतलब हमें जो शब्द दिए गए हैं उनमें से ढूंढ कर लिखना। जैसे कि हमें एक शब्द दिया है दोस्त, तो सामने चार शब्द है समय, मित्र, प्रातःकाल, बेवकूफ। उसमें दोस्त को दूसरा क्या कहते हैं? मित्र। तो ये शब्द कौन से हो गए?
ये शब्द समानार्थी शब्द है। तो आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द बाजू के शब्दों में से ढूंढकर लिखने हैं। प्रश्न 5, उपर्युक्त समानार्थी शब्द पर आधारित वाक्य बनाइए। जैसे कि पहला समानार्थी शब्द था दोस्त मित्र, तो उसका वाक्य है राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। दोस्त का समानार्थी है मित्र, तो दूसरा वाक्य हो जाएगा राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। इसी प्रकार दूसरे समानार्थी शब्द के आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब हम चुटकुले हमने जो देखे उसमें से थोड़े सवाल जवाब देख लेते हैं, परंतु वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं है। पहला प्रश्न, माने गेहूं का ध्यान रखने के लिए किसे कहा? माने अपने बेटे से गेहूं का ध्यान रखने के लिए कहा। दूसरा प्रश्न, रामू ने श्यामू को देखकर क्या पूछा? रामू ने श्यामू को देखकर पूछा, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तीसरा प्रश्न, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। चौथा प्रश्न, दोनों दोस्त किसकी तैयारी कर रहे थे? दोनों दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पांचवा प्रश्न, दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख क्यों कहा? दूसरे दोस्त ने दीपक को मूर्ख कहा क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता है। छठा प्रश्न, आदमी ने दुकानदार से क्या मांगा? आदमी ने दुकानदार से कुत्ते के बिस्किट मांगे। सातवां प्रश्न, मालिक ने नौकर से क्या कहा? मालिक ने नौकर से कहा कि तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। आठवां प्रश्न, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। इस प्रकार चुटकुलों में से भी सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, परंतु याद रखना कि यह सवाल जवाब आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ स्वाध्याय के दो प्रश्न ही लिखने हैं, जिसमें हमने देखा विलोम शब्द और उसका वाक्यों में प्रयोग और समानार्थी शब्द और उसका वाक्य में प्रयोग। तो ये दो प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो यहाँ पर हंसी का पिटारा पाठ समाप्त होता है। आप चुटकुले सुनकर हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। और हमेशा याद रखना कि हंसने का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसीलिए आप सब हमेशा हंसते रहना। बाय बाय।